वेलकम बैक टू मई YouTube चैनल। और मैं आपको बता दूं कि RPSC ने RAS का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। RAS का नोटिफिकेशन RPSC ने जारी करा है, आज ही जारी करा है RPSC ने नोटिफिकेशन, जिसके थ्रू इन्होंने टोटल 988 सीट्स निकाली है, 988 सीट्स का नोटिफिकेशन जारी आया है। ये पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर इन्होंने आज 20 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी करा है। और ये टोटल कितनी सीट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। 988 सीट्स हैं जिनके ऊपर RPSC ने नोटिफिकेशन जारी करा है। इसके अंदर प्रशासनिक सेवा की कुल 76 पद है, 76 पद है। राजस्थान पुलिस सेवा के 77 पद है। इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, आप जो DYSP बनते हैं वो इस राजस्थान पुलिस सेवा से बनते हैं, RPSC से। और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो SDM बनते हैं उसके 76 पद हैं, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान लेखा, अकाउंट सर्विसेज, सहकारी सेवा, ये आप देख लेना। नोटिफिकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वरना जैसे मैंने अभी RPSC की साइट पर गया, पहला ही नोटिफिकेशन इसका सबसे ऊपर इसी का दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है कि इसकी एज लिमिट क्या है, क्या क्या दे सकते हैं, है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरी जो जाति के लोग भाग है, कमजोर वर्ग है, उनको 5 वर्ष तक एज के अंदर छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष तक, ठीक है। और राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये पूरा का पूरा इनको 10 वर्ष तक की छूट दी गई है। अधिकतम आयु की सीमा नहीं है, है ना, विधवा और इनके लिए, ठीक है। ये सारा का सारा तो नॉर्मल तरीके से है। अब इसके अंदर क्या है, 1/1/2022 को न्यूनतम 21 या अधिकतम 40 से कम होना चाहिए, इन्होंने ये बताई है। नॉर्मल जनरल के लिए, नॉर्मल हिसाब से 21 का कंप्लीट होना चाहिए 1/1/2022 तक, है ना, और या अधिकतम 40 से कम होना चाहिए, ये बताया इन्होंने, ठीक है। और ये पूरा का पूरा 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परंतु 45 वर्ष के कम का नहीं हुआ, ये कौन से कर्मचारी है, कर्मचारियों के लिए है। तो ये सारा का सारा इसके अंदर नॉर्मल तरीके से बताया गया है। अब इसके थोड़ा सा आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करूँ तो 28 जुलाई 2021 से तो इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? 28 जुलाई से। कल नोटिफिकेशन आया है 20 जुलाई को, 28 जुलाई से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में। और 27 अगस्त पूरा एक महीना चलेगा, 27 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, एक चीज़ है ना, एक महीना पूरा का पूरा फॉर्म भरा जाएगा। ये ऑनलाइन फॉर्म होगा SSO पोर्टल के ऊपर, ठीक है, SSO.rajasthan.gov.in के ऊपर ही, है ना, मतलब यहाँ पे आप भर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ID यहाँ पे बनाना होता है। अब इसके बाद के अंदर के फ़ीस क्या क्या है, पहली बात तो देखो फीस मैं आपको बता दूँ तो फीस है नॉर्मल लोग बागों के लिए 350 रुपये, जनरल के लिए, और OBC EWS के लिए 250 रुपये, SC ST के लिए 150 रुपये, और TSP के लिए भी 150 रुपये। ये आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ बता दी, 350 से स्टार्ट है। तो ये तो है RPS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, RAS का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी फ़ीस है ये पूरी की पूरी। अब पेपर कितने कितने नंबर का होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि पेपर इसमें कितने कितने नंबर का होगा, ठीक है। अब पेपर के बारे में जाने अपन, तो पेपर होगा एक, इसमें तीन पैटर्न होते हैं। एक तो होता है, एक मिनट हाईलाइटर ले लेता हूँ, हाँ, एक सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, और थर्ड एक होता है इंटरव्यू, ठीक है ना, जिसको यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इंटरव्यू। अब इसके अंदर प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग आता है, इसमें जनरल साइंस से 200 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स 3 घंटे का, और 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 200 मार्क्स का पेपर होता है। मेंस एग्जाम में 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ के 3, है ना, और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होता है। ये टोटल के टोटल 800 मार्क्स का ये पेपर होता है। प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं, पहली बात तो एक बात होता है। IAS की तरह नहीं होता, IAS का पैटर्न बेस नहीं होता। IAS के अंदर क्या होता है, एक ऑप्शनल पेपर भी होता है, ठीक है, एक एथिक्स का पेपर भी होता है, एक ऐसे का पेपर भी होता है, ये सारे के सारे IAS के अंदर होते हैं, इसमें नहीं होता है। इसमें केवल 4 पेपर है, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, और ये जनरल इंग्लिश हिंदी, ये 800 नंबर का पेपर होता है। प्रीलिम्स के मार्क्स इसमें नहीं जुड़ते हैं। फिर इसके बाद के अंदर है ना इंटरव्यू होता है, ठीक है, क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू होने के बाद में फिर इंटरव्यू और इसके मेंस के मार्क्स जोड़ के आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, दैट इज़ इट। तो बस यही चीज़ थी, तो ये नोटिफिकेशन आया था तो मेरे को लगा कि मेरे को बताना ज़रूरी है। बाकी मैं इसके सिलेबस को अच्छे तरीके से एक अलग दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। 988 सीट्स आई है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी मतलब है ना एग्ज़ाम देंगे कैंडिडेट, उन सबको मेरी ओर से ऑल दी बेस्ट। आप आज से ही तैयारी करने लग जाइए। देखो आपको पता है खुद को भी कि मुक्ता ने टॉप किया था, मुक्ता जी ने,
तो आप भी हो सकता है कि फर्स्ट रैंकर आप, अगले फर्स्ट रैंकर आप हो। तो सबको ऑल दी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख के आप बताएं कि आपकी स्ट्रेटेजी इस तरीके बार कैसी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।